हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष निराला आप लोग का अन अकेडमी बीपीएससी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। डेली के बेसिस पे बस कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी। कल मैं वैक्सीनेशन कोविड-19 का जो सुरक्षा के लिए जो वैक्सीनेशन है कोविशील्ड वैक्सीनेशन, वे अन अकेडमी के द्वारा व्यवस्था की गई थी हमारे जयपुर में मणिपाल हॉस्पिटल में, वहाँ पर हमने अपना वैक्सीनेशन कराया, इसलिए कल क्लास ऑफ थी। अब रेगुलर क्लास होगी तो हम लोग मिलते हैं अपने क्लास, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट, हम लोग अन अकेडमी के इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हैं। इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार मैं कमेंट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए क्लास में। तो आप देख सकते हैं अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर बिहार एग्ज़ाम। इसमें हम लोग बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, अगर आप बीपीएससी पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र तथा परीक्षा की संरचना समझना चाहते हैं तो अन अकेडमी में शामिल हों और टॉप एडुकेटर के साथ निःशुल्क पढ़ाई की कर सकते हैं, जहाँ पर निराला सर इन्वाइट कोड यूज़ करके आप अन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए हाँ, आप विदाउट सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे लगभग 40 प्लस लाइव क्लास डेली होता है, 10,000 से अधिक रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, 20 से अलग एक्स्ट्रा एमसीक्यू होता है, देखो ठीक है, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ सब लोग जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून राज पटेल, हेलो हेलो राज पटेल, गुड आफ्टरनून टोरपिको, हाय हेलो। तो आप देख सकते हैं, देखो ये बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं हमारे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। इसको ज्वाइन करने के लिए आप निराला सर कोड यूज़ करेंगे, 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। लेट्स क्रैक इट, ठीक है। तो हम लोग अब क्लास को शुरू करते हैं, जुड़ जाइए सब लोग जल्दी से जल्दी। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार सब लोग जुड़ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। टू ऑल, एक दो मिनट का टाइम ले लीजिए। हाँ ममता रानी, हेलो हाउ आर यू ममता, कैसी हो। हाँ अभिनव शुक्ला, हाय हेलो, सब लोग जुड़ जाइए जो लोग क्लास में मौजूद हैं जल्दी से जल्दी। हाँ अभिनव शुक्ला, हाओ हाय
हेलो। तो चलिए देखिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से आ जाइए सब लोग, जल्दी से आ जाइए सब लोग, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे साथ, है ना। डेली 50 क्वेश्चन होते हैं, और आप लगभग 15 ईयर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हुआ, मैं मनीष निराला आप लोग को अन अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ। आई एम द ओल्ड स्टूडेंट ऑफ नेत्रहाट विद्यालय। नेत्रहाट विद्यालय इज मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल ऑफ बिहार एंड झारखंड। देखिए, बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए आप निराला सर कोड का इनवाइट कोड यूज़ कर सकते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कल मैं किसी कारण से क्लास नहीं कर पाया था, तो अब रेगुलर होगी क्लास आपकी। एक्चुअली कल कोविशील्ड वैक्सीन करवाया था हमने, वैक्सीनेशन करवाया था। देखो, ये प्लस पे अन अकेडमी बीपीएससी विंग के प्लस प्लेटफॉर्म पे ये हमारा क्लास मैथ का 8 बजे चलता है डेली, और ये 15 जून से स्टार्ट हो चुका है। रीजनिंग का बैच चलता है 10 बजे सुबह में, ठीक है। और ये 8:35 से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। अभिनव शुक्ला, ऐसे कैसे कहूँ, सब दोनों अच्छा है। अभिनव शुक्ला दोनों वैक्सीन अच्छा है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोई भी है अच्छा है, जो जिसको जहाँ मिल जा रहा है। क्योंकि ये देखो, अच्छा का मतलब है सब लोग WHO से है। कोवैक्सीन तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लगवाया है ना। अब कोविशील्ड देखो, लगभग 46 देशों में मान्यता है ऑक्सफोर्ड के साथ से, इसलिए सारे वैक्सीन अच्छे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि जिसका एज ज़्यादा है वो कोवैक्सीन होता है, जिसका 45 साल से ऊपर वाले हैं कोवैक्सीन है, और कोविशील्ड है 18 से 55 45 वाले। हाँ, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, अभी से स्टार्ट करो फर्स्ट क्वेश्चन। सबको दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? दस सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कमेंट में आंसर करना सब लोग, जल्दी से कमेंट में आंसर करना सब लोग। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? हाँ, वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड। जो लोग क्लास में हैं कमेंट में आंसर करिए धीरे धीरे। जैसे एक्चुअली क्या है ना कि कल क्लास नहीं हुई, तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है लग रहा होगा कि क्लास नहीं होगी आगे, बट कल वही मुन्ना कुमार गुप्ता, वेरी गुड मुन्ना, डी आंसर होगा, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, तो इसका इसका आंसर मुन्ना कर रहा है डी, नहीं NaCO2 नहीं मुन्ना, ध्यान रखना। इसका आंसर होगा Na2CO3, Na2 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ठीक है, देखना यहाँ पर, देखो मैं बता देता हूँ, देखना। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे धोबन सोडा या धोबिया सोडा भी कहा जाता है, धोने का सोडा। इसे धोबन सोडा या धोबिया सोडा भी कहा जाता है। ये एक सामान्य लवण है ना, जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। देखो, 2NHCO3 है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ठीक है, जल का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अनवी सिंह, गुड आफ्टरनून अनवी, वेलकम करता हूँ मैं आपका। देखो, अभिनव, वैक्सीन के बारे में आपने पूछा था। देखो, ज़्यादा एज वाले के लिए ना कोवैक्सीन अच्छा है, ज़्यादा लोग बोल रहे हैं अच्छा है, लेकिन जिसको जो मिल रहा है वो लगा रहा है। क्योंकि
वैक्सीनेशन इज़ फार बेटर देन नो वैक्सीनेशन, है ना, एकदम ध्यान रखना इस चीज़ को। इसका आंसर देखो करो सब लोग, निम्न में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स मोर रैपिडली। हाँ, किसी का आंसर जिंक आ रहा है, किसी का मैग्नीशियम आ रहा है। देखो इसका आंसर न जिंक होगा न मैग्नीशियम होगा, इसका आंसर सोडियम होगा। यस, एन ए होगा, एन ए होगा, सोडियम। ठीक है, सोडियम। यस अभिनव शुक्ला, विकास कुमार, वेरी गुड। आप लोग देखिए जो भी क्लास में मौजूद हैं, आप लोग एक काम जरूर करेंगे, लाइक जरूर कर दें क्लास को। जो लोग क्लास में मौजूद हैं लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? आप देख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पर लिखा हुआ भी, आप यहाँ पर देख लेना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, है ना, मेटल्स का मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख दिया हूँ नीचे से ऊपर तक। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट रिएक्टिव है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। आगे भी देखो, सोडियम अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है क्योंकि सोडियम तत्व के बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, जो आसानी से बाह्य कोष से निकलकर सोडियम को धनावेशित आयन में बदल देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना सब लोग, क्लियर है बात सबको? देखो जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो किसी और के साथ जल्दी मिलकर, तो जल्दी जितना जल्दी फ्री होगा, बाहर में कम आयन होगा तो फ्री होगा, तो फ्री जल्दी होगा तो धनावेशित आयन में बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन सबको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए खाली स्थान के घोल का उपयोग किया जाता है। ए में है बेकिंग सोडा, बी में है मिल्क दूध, सी में है विनेगर सिरका, और डी में है लेमन जूस, नींबू के रस। इसका आंसर कीजिए सब लोग, इसका आंसर कीजिए सब लोग। हाँ, दीपिका पांडे, गुड आफ्टरनून, कैसी हो दीपिका? दीपक यादव सी बोल रहे हैं, ज़्यादातर लोग इसका आंसर सी बोल रहे हैं, सिरका बोल रहे हैं। यस दीपक, और बताओ कोई? एक बार सोच लो क्वेश्चन क्या पूछा है। मधुमक्खी का जो डंक है ना, का इलाज, मतलब मधुमक्खी अगर काट ले, मधुमक्खी अगर तुमको काट ले तो वहाँ पर कौन सा घोल लगाना बेहतर होता है, किस घोल का करके आंसर होगा, देखना इसका आंसर। हाँ दीपिका, मैं एकदम अच्छा हूँ, दीपिका मैं अब ठीक हूँ, वैक्सीनेशन है, पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ अभी भी, मतलब पूरा पेन है, बॉडी पेन है, फीवर भी हुआ था रात को, अब देखते हैं 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। थोड़ा वीकनेस तो है, वीकनेस हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना चल रहा है, मतलब एसी में भी रहने पर पसीना चल रहा है। देखो हाँ, प्रियंका कुमारी ए, वेरी गुड, इसका आंसर ए होगा, बेकिंग सोडा, इसका आंसर ए होगा, बेकिंग सोडा। आप देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है, इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका IUPAC नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। इसके घोल का उपयोग मधुमक्खी के डंक का इलाज करने में किया जाता है, जिससे फफोले नहीं पड़ते हैं। याद रहेगा सबको? हाँ श्वेता सिंह, वेरी गुड, याद रहेगा सारे स्टूडेंट को। प्री पास करने के बाद यदि मेंस में पहल फेल हो गए तो क्या फिर से प्री देना होगा सर जी, प्लीज रिप्लाई। मुन्ना कुमार गुप्ता किस एग्ज़ाम के लिए पूछ रहे हो? मुन्ना कुमार गुप्ता किस एग्ज़ाम के लिए आप पूछ रहे हो? हाँ गौतम, गौतम रोनियार, हेलो,
हेलो गौतम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बीपीएससी के लिए। तो हाँ, अगर तुम्हारा एज एज बचा हुआ है, अगर तुम जिस भी कैटेगरी में आते हो, जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, या एससी में, या एसटी में, जिसमें भी आते हो आप, तो उसमें अगर एज बचा है तो क्यों नहीं आप प्री में फाइल कर गए? तो आप प्री में पास होने के बाद मेंस में नहीं हुआ तो फिर अगली बार आप दे सकते हो प्री, नेक्स्ट टाइम प्री दे सकते हो, यस दे सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ हेलो, ठीक है बोलो। बोलो आगे बढ़े। हाँ, तो परमाणु संख्या खाली स्थान वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, 17 वाला, 14 वाला, 11 वाला, 7 वाला, इसका आंसर करो सब लोग, इसका आंसर करो। मुन्ना कुमार गुप्ता, बताइए सर नहीं पता। इसका आंसर होगा 11, इसका आंसर होगा 11। देखो मैं बता देता हूँ, इसका ध्यान रखना, जो 11 होता है ना, सोडियम का होता है, किसका होता है बोलो। देखो ये पता है सबको, देखो हलिनाक रबसज पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, है ना। ये 8 होता है, देखो 8 का अंतर होता है, 8 का अंतर होता है ना। फिर ये 19 का अंतर होता है ना, ऐसे करके। ये देखो ये सोडियम है, सोडियम 11, सोडियम 11 होता है, देखो इसका परमाणु संख्या 11 होता है, सोडियम क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम एक क्षार धातु है ना, बेसिक है, बेसिक एलिमेंट है, अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, देखो अल्कलाइन अल्काइल मेटल है, ठीक है। यह अत्यंत क्रियाशील, सफ़ेद एवं मुलायम होता है, नम वायु में इसका संक्षारण होता है, जिससे इस पर सोडियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, जिसे इस पर सोडियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, ठीक है। देखो सब लोग नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विगरसली विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ, आयरन, सोडियम, जिंक, जस्ता, डी एल्यूमिनियम। हाँ, दीपक ने बी कहा, एलेक्स रॉय ने सोडियम कहा, दीपक ने बी कहा, हाँ सोडियम। बाकी लोग भी ट्राई करिए, बाकी लोग भी ट्राई करिए। हाँ एकदम, इसका आंसर 100% बी होगा, सोडियम होगा, इसका आंसर 100% बी होगा, सोडियम होगा, ठीक है 100%, आप देख सकते हैं, देखो ठीक है, एकदम ध्यान रखना। हाँ शोल्डर, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ शोल्डर? शोल्डर, शोल्डर देखते हैं ना, टंका, टांका लगाना, शोल्डर देखते हैं, शोल्डर देखते होगे बहुत सारे गैराज में, देखते होगे ऐसे शीशे का एक है, उसे करके उसको आँख को बचाते हुए उसमें सोल्डिंग किया जाता है। हाँ इसका आंसर बताओ कि घटक क्या है, कंपोजिशन किसका है? लेड, टीन, लेड, जिंक, है ना, कॉपर SN और कॉपर ZN, बोलो इसका आंसर। हाँ इसका आंसर बताओ सब लोग जल्दी, ज़्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर सही बता रहे हैं, इसका आंसर ए होगा, बहुत बढ़िया, इसका आंसर ए होगा, ठीक है, इसका आंसर ए होगा। वेरी गुड, ठीक है, एकदम ध्यान रखना, टांका जो होता है, टांका शोल्डर, यहाँ मैं लिखा हुआ भी हूँ, जिसमें टिन प्लस सीसा, 50 से 60% टिन होता है और लेड जो होता है, सीसा होता है,
वो 40 से 50%, धातुओं को जोड़ने के लिए होता है, वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें और भी चीज़ें मैंने लिखा हुआ, देखो ये याद रखना, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है, ध्यान रखना। जर्मन सिल्वर नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, ध्यान रखना, सिल्वर नहीं होता, एजी नहीं होता, याद रखना हमेशा, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तो एजी नहीं होता, ज़्यादातर लोग एजी कर लेते हैं, सिल्वर नाम से समझ जाते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैलाकाइट खाली स्थान का एक अयस्क है, मैलाकाइट इज एन ओर, ओर जानते हो, अयस्क जानते हो सब लोग, अयस्क है ना, किसका है बोलो, कॉपर का, मैग्नीज का, मैग्नीशियम का, मरकरी का, मैलाकाइट। वाहिदा नाज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वाहिदा नाज। हाँ, कुछ लोगों ने मैग्नीज किया, मैग्नीशियम कर रहे हैं, मैग्नीशियम कर रहे हैं, अभिनव शुक्ला ने मैग्नीशियम किया। मैलाकाइट याद रखना, मैलाकाइट किसका होता है बोलो, हाँ मैग्नीज, दीपक यादव बी कह रहा है, मैग्नीज कह रहा है, ठीक है, बी कह रहे हैं। देखिए है ना, एकदम याद रखना, ये कॉपर का होता है, तांबा किसका होता है बोलो, तांबा, कॉपर याद रखना, कॉपर। यहाँ पर मैंने सारा लिखा हुआ है, देखो अमरजीत कुमार बी, नहीं देख लो अभी, यहाँ पर मैलाकाइट का सारा कुछ लिखा हुआ, देखो क्यूपराइट, CU2O, चैलकोल, चैलकोसाइट CU2S, बोरनाइट CuFeSO4, मैलाकाइट का देखो रासायनिक सूत्र होता है CuCO3 CuOH4, है ना, एजुराइट, एजुराइट भी कॉपर का होता है, और चैल्कोपायराइट, कैल्कोपायराइट CuFeS2, ठीक है ना, याद रहेगा सबको, ए होगा आंसर। हाँ, एलेक्स रॉय ने ए बोला था, बहुत लोगों ने ए भी किया था आंसर, बहुत लोगों ने ए भी आंसर किया था। बोलो मृत्युंजय मिश्रा, मृत्युंजय मिश्रा वेलकम करता हूँ मैं आपका, बोलो क्लियर है ये, समझ में आ गया सबको, तो बताओ ये समझ में आ गया सभी विद्यार्थी को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, अगर आप जानते हो तो, ना भी है तो कोई बात नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, एलिमेंट कौन नहीं है, तत्व कौन नहीं, हीलियम, कॉपर, ऑक्सीजन, पानी, जल्दी से आंसर कीजिए इसका, डी क्वेश्चन का, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। पूजा कुमारी डी, बहुत आसान है, देखो वाटर ये एलिमेंट नहीं है, देखो ये क्या है बोलो, सबको पता है ये क्या है बोलो, ये कंपाउंड है, कंपाउंड, इसको यौगिक भी बोलते हैं हिंदी में, कंपाउंड है। हीलियम, कॉपर और ऑक्सीजन सभी एलिमेंट है, जब पानी एक यौगिक है, क्योंकि यौगिक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं, और वाटर जानते हो एच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन है, 2H2, मतलब H2O है ना। हाँ वेरी गुड गौतम, अनवी, दीपिका, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेन इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल,
ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। हाँ वेरी गुड प्रेमचांद। हाँ प्रेमचांद का 10 का ए आ रहा है। हाँ ऐसे भी आंसर करिए, 10 का ए ऐसे लिखिएगा, 10 का बी, 10 का सी, ऐसे जिसका हो रहा है। हाँ दीपक ए, वेरी गुड। देखिए इसका आंसर ए होगा, क्लोरोप्लास्ट, एकदम ए कंफर्म सही है 100%। हाँ युवा नसरीन, वेरी गुड। तो देखो आप देख सकते हैं निम्न विकल्पों में से क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया या और भी जो भी था सब पशु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, पशु कोशिका में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्ण हरित बोलते हैं इसको, या क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिस कारण पौधों के कुछ भाग पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है बोलो। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। हाँ गुड आफ्टरनून इंद्र कुमार मंडल, गुड आफ्टरनून इंद्र कुमार मंडल, गुड आफ्टरनून। हाँ देखिए नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम सर्कल इज ड्यू टू, इसका आंसर करना, खाली स्थान के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, पैरेन्काइमा, लेटरल मेरिटिज्म, इंटर कैलरी मेरिटिज्म और एपिकल मेरिटिज्म। पैरेन्काइमा, पार्स, ठीक है, तो याद रखना ये 11 नंबर क्वेश्चन का बी होगा आंसर, इसका आंसर बी होगा, देख लो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए बताना है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। हाँ दीपक का बी आ रहा है, निर्मल राज का बी आ रहा है, हाँ बी आ रहा है, वेरी गुड निर्मल। इंद्रमंडल का भी बी आ रहा है, वायदा नाज का भी बी आ रहा है, ठीक है ना। देखो इसका आंसर याद रखना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए एसिड, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये इसी के बारे में अभी पहले देख लो। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है ना। आरएनए और डीएनए के बारे में दिया हुआ है कि आरएनए जो है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड इज अ सिंगल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट इज सम वायरसेज आरएनए हैव राइबोज सुगर बेसेज प्रेजेंट आर एडिनिन गुएनिन साइटोसिन एंड यूरेसिल, जबकि डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट इन फ्यू वायरसेस डीएनए हैव डीऑक्सी राइबोज सुगर बेस प्रेजेंट इन एडिनिन गुआनिन साइटोसिन एंड थायमिन, ये याद रखना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अच्छा, बालों का रंग काला होता है किसके कारण होता है? बालों का रंग काला होता है किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका कमेंट में आंसर करना। पेप्सिन, मेलानिन, कैरोटीन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करो। 13 का सी, वहदा कारा कैरोटीन। और भी बोलो सब लोग। हाँ, वेरी गुड इंद्रमंडल, वेरी गुड। हाँ, मेलानिन, वेरी गुड प्रेमचंद। जो भी क्लास में हैं, एक बार अगर जो भी अभी नए नए जुड़े हैं तो वो लोग लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें। इसका आंसर होगा मेलानिन। इसका आंसर होगा मेलानिन। आप देख सकते हैं, बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। ठीक है, हेयर कलर्ड एंड टेक्सचर ब्लॉन्ड, है ना, मेलानिन। देखो, मेलानिन कॉर्टेक्स मेड्यूला क्यूटाइल क्यूटिकल। ब्लॉन्ड हेयर कंटेन्स सल्फर कंटेनिंग फेनोमेलानिन पिगमेंट, फेनोमेलानिन पिगमेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, कुछ आज जो मैं करा रहा हूँ कुछ मिक्स है, पहले भी कहा था बहुत सारे स्टूडेंट ने, मिक्स करके। मिक्स का मतलब जिसमें मिक्स का मतलब है कि जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं भाई, बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, ऐसा करके हम करा रहे हैं। हाँ, खाली स्थान पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है। इज अ कम्प्लीटली फ्री लिविंग सी क्रिएचर। मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और नेमोटोडा, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का पोल में आंसर, सॉरी 14 का कमेंट में आंसर करिए, कमेंट में। हाँ, इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा। इसका आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा। 14 का इकाइनोडर्मेटा याद रखना, है ना, इकाइनोडर्मेटा। एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज स्टार फिश, सी उर्चिन, सी ककम्बर, सी लिली, है ना। ये याद रखना हमेशा, एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, स्टार फिश बिलोंग टू द ग्रुप, स्टार फिश किस ग्रुप से बिलोंग करता है ना। ए इकाइनोडर्मेटा, बी एनिलिडा, सी पोरीफेरा, डी नेमेटोडा। कमेंट में आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15 का कमेंट में आंसर करें। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें कमेंट में। सॉरी। दीपक यादव ने ए किया, वेरी गुड। इंद्रमंडल ने सी किया। प्रशांत कुमार ने ए किया, वेरी गुड प्रशांत। पूजा कुमारी, हाँ, सब लोग करो आंसर इसको। हाँ, निर्मल राज ए ए। इसका आंसर देखो, स्टारफिश जो होगा वो इकाइने डर्मोटा डर्मेटा समूह का होगा, ग्रुप का होगा। देखो, इकाइने डर्मेटा, सभी समुद्री जीव समुद्री होते हैं जिनका शरीर कांटेदार होता है। इनके शरीर में जल प्रवाही संस्थान होता है। इन एकलिंगी प्राणियों का शरीर त्रिस्तरीय या पांच या अधिक बाहुओं में विभाजित होता है। देख रहे हो, ये इकाइने, ये स्टार फिश है। क्या है बताओ, स्टार फिश। हाँ, राकेश कुमार, गुड आफ्टरनून। कैसे हो राकेश, कैसे हैं राकेश आप, गुड आफ्टरनून। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 16, आज का क्वेश्चन नंबर 16 है ये। हाँ, आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य की आंखों के रेटिना के समान होता है? मनुष्य की आंखों के रेटिना के समान होता है कौन सा भाग?
लेंस, फिल्म, एपरेचर, शटर। वेरी गुड राकेश। हाँ वेरी गुड राकेश, बी आंसर होगा। पूजा देख लेना, इसका आंसर बी होगा, फिल्म। देखो आप देख सकते हो, देखो मानव नेत्र की रचना, हाँ मानव नेत्र की रचना एवं कार्य प्रणाली एक फोटोग्राफिक कैमरे के समान होती है। कैमरे में एक फोटोग्राफिक फिल्म लगी होती है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में भी यही काम दृष्टिपटल रेटिना द्वारा होता है। रेटिना, इसमें क्वेश्चन में रेटिना ऑप्शन में नहीं था इसलिए रेटिना नहीं कर सकते, रेटिना को ही फिल्म बोलते हैं। इसमें ऑप्शन में रेटिना नहीं था तो रेटिना को ही फिल्म बोलते हैं, फिल्म। ठीक है, आगे बढ़ें। समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है समझ में सबको? देखो रक्त में सफेद कण, व्हाइट ब्लड सेल इन द ब्लड। हाँ राकेश कुमार बहुत सारे हैं प्लेलिस्ट में होंगे, राकेश कुमार होंगे प्लेलिस्ट में, इसके पहले वाले सारे होंगे, इसके पहले पिछले बहुत बहुत सारे मेरे क्लास। हाँ ठीक है, रक्त में सफेद रक्त कण जो होता है वो क्या करता है ना, वो क्या करता है? इसका आंसर एकदम सही बोला, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। एकदम याद रखना, ये शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। देखो श्वेत रुधानी रुधिराणु या ल्यूकोसाइट की आकृति तथा आकार निश्चित न होकर अमीबा की भांति परिवर्तनशील होती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 6 से 1000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होता है। शरीर की प्रतिरक्षा कार्य श्वेत रुधिराणुओं द्वारा किया जाता है। वेरी गुड, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो 18, ये 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 मनीष निराला से होगा, राकेश कुमार मनीष निराला से सर्च कर लेना, है ना। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं, द लार्जेस्ट कॉर्पस इन ह्यूमन ब्लड्स आर, लसिका कोशिकाएं, लिम्फेटिक सेल, अल्कली डाइड सेल्स, क्षार रंगों रंगी रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स। थैंक यू वेरी मच राकेश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच राकेश, मोस्ट वेलकम। हाँ कुंदन सिंह प्रशांत, ठीक है ना, इसका 18 का आंसर करिए सब लोग, 18 का आंसर सब लोग करिए, 18 का आंसर सी या डी, 18 का सी या डी होगा बताओ, WBC होगा या रेड सेल होगा। चलो देख लो, WBC या RBC, रेड सेल ना, इसका आंसर डी होना चाहिए, देखो इसका आंसर डी होना चाहिए, व्हाइट बीसी, व्हाइट सेल, व्हाइट सेल होना चाहिए, डी होना चाहिए इसका आंसर। समझ में आ रहा है सबको? इसका आंसर याद रखना डी होगा, ठीक है। हाँ WBC, यस इंदर। देखिए जो लोग क्लास में मौजूद हो जरूर से शेयर और लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक तो जरूर करो, अगर आपके जानने वाले कोई हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको आप बता सकते हो। देखो 19 है ना,
हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? हीमोग्लोबिन में निम्न में कौन सी धातु मौजूद है? फेरस, कैल्शियम, पोटेशियम, एलुमिनियम। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए। कुछ लोग ए कर रहे हैं। हाँ, फेरस, फेरस। जीनत परवीन वेलकम करता हूँ, नबीरा अफाक वेलकम करता हूँ, नबीरा। वेरी गुड। इसका आंसर फेरस होगा, फेरस, Fe। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी में देखो, अभी मैं एक बार दिखा देता हूँ। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों हीम प्लस ग्लोबिन, हीम के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तथा ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होता है। ग्लोबिन का मतलब है लौह युक्त प्रोटीन जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, पूजा कुमारी आज फर्स्ट क्लास कर रही है, थैंक यू वेरी मच पूजा। और डेली 1 बजे होता है ये क्लास, पूजा ये डेली 1 बजे क्लास होता है। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? कॉर्पस्कल्स, कणिकाएं, सेल्स कोशिकाएं, कैपिलरीज केशिकाएं और कैलोरी, है ना? ये क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का आंसर करें सब लोग। वेरी गुड, जीनत परवीन, दीपिका, 20 का। हाँ, वहीदा, कुंदन, अंकित, पूजा, दीपक, प्रशांत, नाबिरा, कुंदन सिंह, निर्मल राज। वेरी गुड, इंद्र कुमार। इंद्र कुमार का ए आ रहा है, नहीं, ए नहीं होगा इसका आंसर। इंद्र कुमार मंडल, इसका आंसर होगा सी, कैपिलरीज केशिकाएं। इसका आंसर होगा सी, केशिकाएं, कैपिलरीज, कैपिलरीज। क्या राकेश इसके पहले कोई क्लास होता है? राकेश इसके पहले कोई क्लास होता है क्या? रीना रानी वेलकम करता हूँ मैं आपका, 20 का सी। राकेश बताना कोई क्लास होती है तुम्हारी, तो एक बार देख लेते हैं, बात कर लेंगे। हाँ, रीना रानी नमस्ते, कैसे हैं? अच्छा, जॉब है आपका राकेश। अच्छा, कहाँ है जॉब आपका राकेश? देखिए, रक्त धमनियों से सिराओं से जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित होती है किया जाता है उसे केशिकाएं कहा जाता है। अच्छा, 1:30 बजे लंच होता है, ओके। चलो मैं देखता हूँ एक बार, टीम से बात कर। एक्चुअली ना, पूरे मंथ का ना एक शेड्यूल बन जाता है, पूरे मंथ का एक शेड्यूल बन जाता है 1 बजे से, 1 PM से, मतलब ऐसे बना हुआ है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, टाइमिंग किसी का नहीं हो सकता जो भी, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल के पहले देख लेना। प्रशांत कुमार बार्क में जॉब करते हैं, वाह, वेरी गुड प्रशांत। प्रशांत बैंक में जॉब, ओके, सॉरी, प्रशांत बैंक में जॉब करते हैं, पहला क्लास है मेरा, ओके, पुणे में है, ओके राकेश। प्रशांत कौन से बैंक में हैं आप? हाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, कुंदन सिंह नमस्ते, नमस्ते सर, क्लास नहीं हुआ था क्या? मैं बहुत देर वेट कर रही थी। कब? कल का कह रहे हो नाबीरा? कल का कह रहे हो आप नाबीरा? आप कल का कह रहे हो क्या? हाँ, कल नहीं हुआ था नाबीरा, एक्चुअली कल हमारा वैक्सीनेशन हुआ है, कल कल हमारा, अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया में, वाह, वेरी गुड। कल हमारा वैक्सीनेशन हुआ था इसलिए मैं क्लास, हाँ नाबीरा मैं बता दूं आपको, कल मेरा वैक्सीनेशन, मैंने कोविशील्ड वैक्सीनेशन करवाया है, मैं और मेरी वाइफ दोनों का हुआ था, इसलिए कल तो एकदम पॉसिबल नहीं था। उस समय मैं 11 से 1 के बीच में टाइमिंग थी मेरी, है ना? हाँ, ये हो गया, ये हो गया सबका, ये हो गया।
21 का कर लिया हमने, इसका आंसर होगा डी एड्रीनलिन, इसका आंसर होगा डी एड्रीनलिन, याद रखना डी एड्रीनलिन। अच्छा राकेश खरगवासला में हो, वाह खरगवासला में हो राकेश, ओके वेरी गुड वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे स्टूडेंट देखो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, देखो देखो डिलीवरी पेन्स इज काउज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शंस इन द वॉल्स ऑफ, कुछ क्वेश्चंस हैं मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जल्दी से कर रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, देखो 22, इसका आंसर होगा सी उटरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव पीड़ा गर्भाशय भित्ति की दीवारों में संकुचन के कारण होती है, ये याद रखना। पूजा कुमारी पटना से, वेरी गुड पूजा। हाँ देखो माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग कितने महीने लगते हैं, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग कितने महीने लगते हैं, ये तो बहुत आसान है, देखो सब लोग जानते हो 9 महीना लगता है, 9 महीना लगता है बोलो, है ना, ये बहुत आसान है। देखो बहुत सारे, देखो फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर मंथ, सिक्स, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ, सेवन मंथ, एट मंथ और 9 मंथ, है ना। 9 माह की समयावधि बच्चे के विकास के लिए उपयुक्त होती है, किंतु अपवादिक परिस्थितियों में यह घट समयावधि घट या बढ़ भी सकता है। हाँ यस यू आर नर्सिंग थ्रू आउट बॉडी, यस। देखो सब लोग, देखो अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस चीज़ की कमी होगी, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, बताना इसमें विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन डी, अगर रिकेट्स से पीड़ित है, रिकेट से पीड़ित है अगर कोई आदमी तो किस चीज़ की कमी होगी, किस चीज़ की कमी होगी, क्वेश्चन नंबर 24 है ये, 24। चौबीस का, हाँ ये संतोष ही, संतोष छोटू, वेरी गुड संतोष। हाँ रीना रानी क्या बोल रहे हो आप, संतोष वेरी गुड, हाँ दिख सकता है सबको, इसका आंसर होगा विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी होगा ऑप्शन बी, वेरी गुड, विटामिन डी होगा ऑप्शन बी। देखो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, सूखा रोग हड्डियों का वह रोग है जो बच्चों में होता है, बच्चों में हड्डियों की नरमाई या कमज़ोर होने को सूखा रोग कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। विटामिन ए जो है वो लॉस ऑफ विजन है, पुअर विजन सिम्टम होता है, विटामिन बी वन है बेरी बेरी, वीक मसल्स होता है, विटामिन सी स्कर्बी, ब्लीडिंग गम्स होता है, विटामिन डी रिकेट्स, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स होता है इसका सिम्टम, कैल्शियम बोन एंड टूथ डीके, आयोडीन गोइटर घेघा रोग बोलते हैं, आयोडीन की कमी से घेघा रोग, और आयरन एनीमिया, एनीमिया रोग जिसमें वीकनेस होता है ना। हाँ ऑस्टियो मलेशिया भी होता है, यस यस संतोष छोटू, यस संतोष, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताओ, वेरी गुड संतोष, क्या बोल रहे हो सर, कैसे मन 64th मेंस का कॉपी कैसे मंगा सकते हैं। निर्मल राज मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, निर्मल राज मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई बिहार के, अब तो वो झारखंड में हो गया स्कूल, बिहार के नेत्रहाट विद्यालय, उसमें नेत्रहाट विद्यालय बिहार में था, अब झारखंड अलग होने से नेत्रहाट विद्यालय झारखंड में चला गया, तो नेत्रहाट विद्यालय से हुई है 10th,
उसके बाद मैं साइंस कॉलेज पटना से पास किया हूँ 11 मतलब 12th इंटरमीडिएट। उसके बाद मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में अपनी तैयारी किया आईआईटी वगैरह का। फिर उसके बाद हम लोग इसी 2006 से मैं बीएससी एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। 2006 से ही मैं ऑफलाइन क्लासेस बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल में, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स रीजनिंग साइंस स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे सब्जेक्ट मतलब तो लगभग सार जीएस के साइंस पढ़ाता हूँ, बाकी मैथ्स रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स का। हाँ, इसका आंसर होगा कैरट, इसका आंसर होगा कैरट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, विटामिन ए इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसका स्रोत सभी प्रकार की हरी सब्जियां तथा फल होता है, गाजर पपीता। इसकी कमी से रतौंधी जीरो थैलमिया है ना नामक रोग होता है, इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह जीवाणुओं का शरीर पर संक्रमण रोकता है। विटामिन ए देखो गाजर ये सारी चीज़ बहुत सारी चीज़ों में है, लीवर में है ना, फिश में है, कैरेट जूस में है, चीज़ में है, स्वीट पोटैटोज में है, स्क्वैश में है, बहुत सारी चीज़ों में, मिल्क है ना। अच्छा, मैंने 64 पहली बार दिया था, वेरी गुड राकेश, बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, विच विटामिन्स आर यूज टू ट्रीट कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर करना सब लोग, इस क्वेश्चन का आंसर करना। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 26 है ये, 26 का आंसर विटामिन सी, क्वेश्चन नंबर 26 है विटामिन सी। हाँ, वेरी गुड धनंजय कुमार गुप्ता, बहुत बढ़िया प्रशांत कुमार सी। ठीक है, देखो ये डेली 1 घंटे की क्लास होती है, डेली 1 घंटे की क्लास होती है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है तो इसकी स्थिति को कैसे माना जाता है, कैसा माना जाता है, सामान्य ताप से अगर कम हो जाता है कैसा माना जाता है, फीवर, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, हाइपरपायरेक्सिया, क्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का कमेंट में आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 27 का कमेंट में आंसर करो सब लोग। हाँ, एकदम याद रखना, हाइपोथर्मिया, 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 यस, इसका आंसर होगा हाइपोथर्मिया, जब कम हो जाता है तब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है ना, बाय हुम इज द जीका वायरस ट्रांसमिटेड इन द ह्यूमंस, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित करता है, किसके द्वारा मनुष्य में आता है, ट्रांसमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करो। हाँ, बी आंसर हो गया था इबा नसरीन, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 28 का। हाँ, जीनत परवीन, संतोष, चूहा, चूहा का फिगर बनाया है संतोष, वाह, श्रीनाथ पासवान, हाँ ए, हाँ इसका आंसर मॉस्क्यूटो होगा, वेरी गुड, इसका आंसर मॉस्क्यूटो होगा, मच्छर, मॉस्क्यूटो होगा, मच्छर, ये याद रखना, नहीं ए नहीं, मच्छर होगा, मच्छर, जीका वायरस। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइकेन प्लांट,
खालिस्तान डिवीजन से संबंधित है ना। लाइकेन प्लांट बिलोंग्स टू हुच डिवीजन? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। 29 नंबर क्वेश्चन है ये, 29। लेट से जा रहा है। हाँ नहीं नहीं यूट्यूब में ना, यूट्यूब में आंसर लेट से आता ही है, यूट्यूब में कमेंट ना डायरेक्ट ऐसे नहीं आता है। ऐप में जो अनअकैडमी ऐप में है आप लिखिए, टाइप कीजिए, वहाँ आ जाएगा, इसमें नहीं होता है तो। हाँ लाइकेन प्लांट याद रखना इसको। हाँ वेरी गुड, इवा नसरीन बी आंसर कर रही हैं। बी देखो इसका आंसर होगा बी, थैलोफाइटा, इसका आंसर होगा बी, थैलोफाइटा। ठीक है देखो, खाली स्थान और जिम्नोस्पर्म्स नग्न बीजी कौन होते हैं? पाइन्स, लेमोन, गाजर, व्हीट। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करना, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करना, क्वेश्चन नंबर 30। वेरी गुड इवा नसरीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसका आंसर होगा पाइन्स, पाइन्स इसका आंसर होगा, 30 का ए होगा, 30 का ए होगा, ए। वेरी गुड राकेश, 30 का ए होगा। देख लो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो अनावृत बीजी, नग्न बीजी पौधों के नाम, साइकस, पाइन्स है ना, जिम्नोस्पर्म, साइकस, पाइन्स, देवदार, जिंगो। ठीक है, और आवृत बीजी पौधे, प्लांट्स ऑफ एंजियोस्पर्म, मक्का, गेहूं, गन्ना, घास, अंगूर, सेब, सरसों, आम, मटर, सेम, चना, पीपल, अमरूद। तो ये याद रखना हमेशा। ठीक है, ठीक है ना। हाँ एक फूल के प्रजनन का कौन सा भाग है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? पुंकेसर और कार्पेल्स, कैलेक्स है ना, ये एक आंसर बताओ। हाँ एंजियोस्पर्म आया था, 66 बीपीएससी में आया था, यस। हाँ इसका आंसर ए होगा, ये क्वेश्चन नंबर 31 था, इसका आंसर ए होगा, क्या होगा? ए होगा। वेरी गुड ममता, चलो बाय, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखो। नहीं क्रोरान एंड स्टेमेंस नहीं, ए होगा इसका आंसर, ए होगा। ठीक है, बाय, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखो। आज का सेशन मैं एंड करता हूँ यहीं पे, हम लोग फिर मिलते हैं कल 1 बजे इसी समय पर। जिनका भी टाइमिंग का क्लास हो रहा, थोड़ा सा आप पिछले क्लास को जाके देख सकते हैं, पिछले क्लास को मेरा 4 क्लास हो चुका है, आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सबको। हाँ जो भी अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं, फ्री क्लास भी लेना चाहते हैं है ना, वो आप लोग हमारे क्लास में आके ज्वाइन कर सकते हैं निराला सर कोड का यूज करके। आप प्लस में भी आ सकते हैं साथ साथ, आप प्लस में भी आ सकते हैं साथ साथ आप क्लास को। ठीक है, देखिए ये आपको दिख रहा है सबको, ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये सबको, ये निराला सर कोड है, इस कोड से आप बहुत सारे बैचेस के लिए बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए बहुत सारे बैचेस का ये निराला सर कोड, बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप निराला सर कोड यूज कीजिए। तो पहले अनलॉक हो जाइए, पढ़ाई शुरू कीजिए। मेरा जो आपको मिलेगा प्रीलिम्स में भी मिलेगा, प्रीलिम्स के लिए मैं मैथ्स, साइंस ये सब कराता हूँ, साथ साथ मेंस के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीएस पेपर 1 में स्टैटिस्टिक्स का पेपर मैं कराता हूँ, जो 72 मार्क्स के आते हैं, 72 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत सबको, अपना अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।